दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉल आउटपुट के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में लाइव मार्केट में समझाने वाला हूं। आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भाई कॉल आउटपुट के बारे में वीडियो बनाइए। ज्यादातर बिगिनर्स को कॉल आउटपुट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कब उन्हें कॉल ऑप्शन खरीदना है, कब पुट ऑप्शन बेचना है, या कब उन्हें कॉल ऑप्शन बेचना है और कब पुट ऑप्शन खरीदना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आज मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है, तो ऐसे में आपको कॉल खरीदना है या फिर पुट ऑप्शन को खरीदना है। इसका बेसिक सा एक फंडा होता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, मतलब इसके बेसिक्स अच्छे से नहीं पता होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और आखिर में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कॉल और पुट के बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये वीडियो खासकर मैं अपने उन भाइयों के लिए ही बना रहा हूँ जो बिगिनर है, और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। और जहां तक मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर इतने इजी लैंग्वेज में किसी ने भी कॉल और पुट को एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने पूरी लाइफ में कॉल और पुट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं हूं जीशान, चलिए आप समझते हैं कॉल और पुट को डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यह समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट ऑप्शन कब आपको खरीदना होता है और कब आपको बेचना होता है। इसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल में लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरफ मार्केट का मूवमेंट होगा, तो कब आपको कॉल ऑप्शन और कब आपको पुट ऑप्शन को बाय और सेल करना होगा। लाइव मार्केट में देखकर आपकी सारी कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए पहले कॉल और पुट को समझते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी मैंने एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बना के रखी हुई है, सेम ऐसे ही निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन भी होती है, या फिर किसी पार्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन हो, बस यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये चेंज होते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी 41,700 पे चल रही है, तो इसका जो करंट प्राइस होता है उसे स्पॉट प्राइस भी बोला जाता है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वहां से मार्केट किधर जाने वाली है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी 41,700 पे है और आने वाले टाइम में ये 41,700 से बढ़ के 41,800, 41,900 या फिर 42,000 तक जाने वाला है। इसका मतलब यह है कि जहां पर अभी इसका करंट प्राइस है, कुछ टाइम बाद वहां से ये ऊपर जाने वाला है। तो जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, मतलब मार्केट बढ़ने वाला होता है, या यूं कहें कि मार्केट बुलिश होने वाली है, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, इससे हमें प्रॉफिट होगा। सेम इसी टाइम पर जब मार्केट बढ़ने वाला होता है तो हम पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, इससे भी हमें प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको लगे कि इस स्पॉट प्राइस से मार्केट बढ़ने वाली है, तो आप दो चीज कर सकते हैं, एक तो आप कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं और दूसरा आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉफिट होता है। अब दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने के बजाय गिरेगी, मतलब मार्केट बियरिश होने वाली है। तो अभी मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी अभी 41,700 पे चल रहा है और ये गिर के 41,600, 41,500 पे आने वाली है, यानी कि मार्केट कुछ टाइम में गिरने वाली है, तो हमें कॉल ऑप्शन को सेल करना होता है, इससे हमें प्रॉफिट होता है, और पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं, इससे हमें प्रॉफिट होगा। आपको जल्दी से मैं एक बार और समझा देता हूं। जब मार्केट अपने करंट प्राइस से बढ़ने वाला होता है तो ऐसे में हमें कॉल ऑप्शन बाय करना होता है या फिर पुट ऑप्शन सेल करना होता है। वहीं अगर मार्केट गिरने वाला होता है तो ऐसे में हमें कॉल ऑप्शन सेल करना होता है या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना होता है, इससे हमें प्रॉफिट होता है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं जो मुझे लगता है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में प्रीमियम प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको कम प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं और आपको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आपको सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर वन, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बढ़ने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है, और नंबर सेकंड, कि अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट गिरने वाली है तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना होता है। इसमें आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आप कम पैसों में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें इसलिए बता दी थी कि आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आपको बाय और कैसे सेल करना है। इसे मैं आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर मैं अपने ग्रो के डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। अगर आपको भी ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ग्रो में। इसके बाद यहाँ पर आपको देखें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको ये कॉल और पुट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। इस समय बैंक निफ्टी 41,330 के आसपास चल रहा है, ये इसका स्पॉट प्राइस है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट बढ़ने का मतलब है कि मार्केट इस तरफ आएगा। जैसे अभी ये 41,333 या 334 पर चल रहा है क्योंकि ये लाइव मार्केट में चल रहा है, तो कुछ ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये आएगा 41,400 पे आएगा, 41,500 पे आएगा, 41,600 पे आएगा, मतलब नीचे की तरफ ये बढ़ेगा। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखना कि मार्केट जब बढ़ रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आपको इसका प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट बढ़ रहा है इसका मतलब आपको कॉल प्राइस में खरीदना है। इसी टाइम आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो आप पुट प्राइस में सेलिंग भी कर सकते हैं। फिर से बता देता हूं कि जब मार्केट बढ़ने वाला हो तो कॉल प्राइस में आपको बाइंग मतलब खरीदना है और पुट प्राइस में आपको सेलिंग मतलब बेचना होता है, इससे आपको प्रॉफिट होगा। और अगर इसका उल्टा होता है, जैसे मार्केट गिरने वाला होता है, जैसे अभी इसका स्पॉट प्राइस 41,338 के आसपास चल रहा है, इसे हम करंट प्राइस पर भी कह सकते हैं, तो इसका करंट प्राइस 41,338 के आसपास चल रहा है, और जब ये गिरेगा तो 41,300, 41,200 या फिर 41,100 की तरफ ये जाएगा। तो ऐसे में आपको कॉल प्राइस में सेलिंग करना होता है और पुट प्राइस में आपको बाइंग करना होता है, इससे आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है, क्योंकि इसमें आप कम पैसों का रिस्क लेके भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप बाय कब करेंगे कॉल ऑप्शन को, जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा। और पुट ऑप्शन कब बाय करेंगे, जब आपको लगे कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, मतलब मार्केट यहां से इस तरफ जाएगा। एज ए बिगनर कॉल ऑप्शन बाय या फिर पुट ऑप्शन सेल, बस यही दो चीज़ें करनी है। आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखने की बात यह है कि आपको इसे बाय और सेल करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए कि आपको कॉल ऑप्शन में बाय करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको बाय एंड सेल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप पुट में इसे बाय करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ भी आपको बाय एंड सेल दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में सब कुछ आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कॉल और पुट के बारे में आपको सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लाइव मार्केट में कॉल और पुट को कैसे खरीदा जाता है या फिर ये कहें कि लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसमें काफी सारी आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।